मामला है श्योपुर जिले के लुंड गांव के प्राथमिक विद्यालय का, जहां पर प्राथमिक विद्यालय तो है लेकिन बच्चों के लिए स्कूल में बिल्डिंग नहीं है, जहां शिक्षक पेड़ के नीचे और दूसरों के घरों में छात्रों की क्लास लगाने को मजबूर हो रहे हैं, जहां कई बार शिक्षकों के द्वारा जानकारी देने के बाद भी अभी तक भवन निर्माण के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। जहां विद्यालय पहुंची मीडिया टीम को शिक्षकों ने बताया कि हमारे प्राथमिक स्कूल की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई है, जानकारी देने के बाद भी अभी तक बिल्डिंग का निर्माण नहीं हुआ है, जिसे हम पेड़ के नीचे और इधर उधर बच्चों की क्लास चला रहे हैं। बिल्डिंग ना होने से स्कूल में छात्रों की संख्या भी कम हो गई है। वहीं एक तरफ सरकार जहां शिक्षा स्तर में सुधार को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर बच्चों के लिए स्कूल की छत तक नहीं है। वहीं पूरे मामले पर मीडिया से चर्चा में शिक्षा अधिकारी ने बताया कि पिछले वर्ष आई बाढ़ से जिले के 154 विद्यालय क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसकी पुनर्निर्माण की सूची बनाकर हमें भेज दी है। जैसे ही बजट आएगा विद्यालय में बिल्डिंग का निर्माण कार्य कराया जाएगा। मैं प्राइमरी टीचर पीएस लूड़ में हूँ। हमारे यहाँ बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जो हमें बच्चों को इधर उधर बिठाना पड़ता है, जिससे उनकी पढ़ाइयाँ डिस्टर्बेंस हो रही हैं। कभी बच्चे किसी के पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं तो बारिश होती है तो छुट्टी भी करनी पड़ सकती है, कहीं और दूसरी जगह लेके जाओ, तो बच्चों की छात्र संख्या भी धीरे धीरे कम हो रही है, और जिससे हमारे स्कूल में छात्र संख्या कम हो पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। शासन से क्या मांग है आप? शासन से मांगे जो हमारी बिल्डिंग बनवाएं, जिससे हमारे गांव के लोग अपने जो बच्चों को दूसरे स्कूलों में भेज रहे हैं कम से कम हमारे स्कूल में भेजें और हमारी पढ़ाई थोड़ा तरीके से हो। शासकीय प्राथमिक विद्यालय लूंड का शाला प्रभारी हूँ, नवल किशोर शर्मा मेरा नाम है। यहाँ पे विद्यालय पिछली बाढ़ के टाइम से अतिवर्षा होने से विद्यालय क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसमें 1973 की ये भवन बना हुआ है और इसकी पट्टियाँ टूट चुकी है और दरारें अधिक आ चुकी है। तो मैंने श्रीमान जिला खंड शिक्षा अधिकारी को, जन शिक्षा प्रभारी को मैंने आवेदन भी लिख के दे दिया, बीआरसी महोदय को भी दे दिया है। बीआरसी महोदय ने मुझे लिखित में दे दिया था। इंजीनियर का रामदीन माता दीन कुछ ऐसे नाम है, उन्होंने यहाँ विद्यालय को निरीक्षण करने के बावजूद मुझे ये लिख के दे दिया कि आप विद्यालय में ना पढ़ाए, अगर किसी प्रकार की कोई घटना घटित तो आप शुभ जिम्मेदार होंगे। तो बच्चे बच्चियों को मैडम निशा त्रिपाठी और मैं कभी किसी के छपरे में, मकानों के आगे, कभी पेड़ के नीचे, कभी बरसात आ जाए तो इधर उधर किसी के छपरों में बिठा लेते हैं। तो 1.5 साल से हम ऐसे ही विद्यालय का संचालित कर रहे हैं। क्या प्रशासन से मांग रहेगी आपकी? प्रशासन से मांग तो यही है, बिल्डिंग बनवा दे तो थोड़ी सुचारू रूप से व्यवस्था बन जाए पढ़ाने की। हमें दिनेश मीणा है, मैं ग्राम पंचायत लूंड का रहने वाला हूँ। हमारी गांव की समस्या है कि हमारा जो स्कूल बिल्डिंग है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और हमको डर लगता है कि बच्चों को हम किस प्रकार से उसमें पहुँचाए, कभी भी दुर्घटना हो सकती है और उसमें बच्चों की संख्या भी कम होती जा रही है। तो हम चाहते हैं कलेक्टर साहब से कि हमारे स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी हो और बच्चों को सुचारू रूप से पढ़ाई की व्यवस्था की जाए। हमारे टीचर भी परेशान हैं, कभी क्लास पेड़ के नीचे लगाते हैं, कभी दूसरे के मकान में लगाते हैं और आने जाने की भी उनको समस्या रहती है क्योंकि वहाँ पर गाड़ी भी नहीं आती है। से हमारे यहाँ अतिवृष्टि हुई थी तो इसमें हमारे लगभग शिवपुर जिले के 154 स्कूल डैमेज हुए थे। उसमें हमने 3 विद्यालयों के लिए राशि जारी करने वाले हैं, जलालपुरा, भीका का सहराना और शरोदा, और 154 विद्यालयों की सूची हमने मध्य सरकार को और राशि चक्र केंद्र को भेज दी है। जैसी राशि प्राप्त होती है वहाँ काम प्रारंभ करा दिया जाएगा। सर, अभी बच्चों को बाहर पेड़ों के नीचे बिठाया जा रहा है, कभी बरसात या कोई अन्य कारण की वजह से बच्चों को अन्य जगह पर बिठाया जा रहा है, शिक्षा काफ़ी स्तर से गिरी हुई है वहाँ पर, इस पर क्या कहेंगे? अभी देखिए, हमारे पास जिले स्तर पे ऐसा कोई मत नहीं होता है कि हम उसकी मरम्मत करा सकें। हमारे यहाँ से AWP बनता है जी, फरवरी की स्थिति में, तो वो हम भेजते हैं, वहाँ से जैसे स्वीकृत होके आता है तो हम काम प्रारंभ करवा देंगे। और अभी कुछ विद्यालयों के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जरूर आ गई राशि, वो अभी जारी होने वाली है।